प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर आर्ट विषय भूगोल के अंतर्गत खंड ख में अपवाह तंत्र के बारे में बता रहा था। पिछले मैं आपको जो है वो आकृति विज्ञान के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए आज आपको ले चल रहा हूं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, क्या है अपवाह तंत्र का मतलब होता है यानी जल के बहाव की स्थिति को जानना है। ये जल जो धारा पर प्रवाहित होती है वह ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है और वह अपवाह तंत्र उसको उसमें बहुत सारे में है जल के स्रोत होते हैं उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे आप यहां भी समझ सकते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के द्वारा जो निश्चित वाहिकाएं जो होती है नदियां जो होती है उनके द्वारा होने वाले जल के प्रवाह को नदियों के द्वारा नदियों के रास्ते से होने वाले जल के प्रवाह को बहते हुए जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। बहते हुए जल के स्वरूप को अपवाह कहा जाता है। वही इस प्रकार अपवाह में संबद्ध वाहिकाओं के जल को यह जो अपवाह तंत्र होता है अपवाह तंत्र में जो संबद्ध वाहिकाएं होती है उसमें मिलकर के बहती है और वो स्रोत होती है वह वाहिकाओं के जल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। उसमें कई यानी इसके अपवाह में संलग्न कई वाहिकाएं होती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको मैं बता रहा हूं कि गंगा तो गंगा में जो है यानी बहुत सारी वाहिकाएं आकर के मिलती है और उस तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे सिंधु में जो नदियां मिलती है छोटी छोटी आकर के और उसके प्रमुख जल के स्रोत बनती है तो उसे सिंधु अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इस तरह से यह बहते हुए जल के स्रोतों को वाहिकाओं को नदी छोटी छोटी नदियों के रूप में आकर के और एक नदी में मिलती जाती है। जैसे गंगा के अंतर्गत में है आप देख रहे हैं कि यह जितने गंडक है कोसी है घाघरा है यह सतलुज है आपके सब जो है सरस्वती है यमुना है सब आकृति विलीन होती जाती है और ये गंगा की जल स्रोत का प्रमुख जो है आधार बनती है जिसके द्वारा जो है यह गंगा अपवाह तंत्र हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह से एक जो है अपवाह में संलग्न वाहिकाएं होती है और वाहिकाओं के भी जल शामिल होते हैं उसको भी हम अपवाह तंत्र कहते हैं। इस तरह से किसी हम एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि हम किसी विशेष यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी भी क्षेत्र विशेष में आप देखें तो वह विशेष का अपवाह तंत्र वहां के जो वहां की भूमि की भू आकृति की जो बनावट होती है उस भू आकृति के बनावट के आधार पर अपवाह तंत्र वहां के भू वैज्ञानिक समय अवधि वहां की भूमि के वैज्ञानिक समय अवधि है इतिहास है और उसके चट्टानों की जो प्रकृति है तथा संरचना है इस चट्टानों की प्रकृति स्वभाव क्या है इसकी संरचना इस तरह की है कि वह पहाड़ी है पठारी है मैदानी है या समुद्र तटीय है। इस तरह की आश्लाकृतियों से बहते जल उस क्षेत्र में आश्लाकृतियों से होकर के बहते जल की मात्रा ढाल और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। वहां जो नदियां बहती है अपवाह स्वरूप जो बहता है वह उसकी यानी समय अवधि और उसकी संरचना बनाव ढाल के अनुरूप निर्धारित होता है उसी का परिणाम होता है। भारतीय अपवाह तंत्र का विभिन्न आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है इस वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आइए आप लोगों को
मैं भारतीय अपवाद तंत्र का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण बता रहा हूं। सबसे पहले भारत का जो अपवाद तंत्र है, हम आपको समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर बताते हैं। तो समुद्र में जो जल विसर्जन है, उस जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में विभाजित किया जाता है। जो भारत के नदियों का जल जो समुद्र में विसर्जित होता है, नदियां आकर समुद्र में मिलती है, उसके आधार पर यह दो भागों में, दो समूहों में होता है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो नदियां भारत की अरब सागर में जाकर मिलती है वह अरब सागर का अपवाह तंत्र हो गया। दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरे जो क्षेत्र है जो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, वह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो यह दो जो है भारत के प्रमुख रूप से समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र है। इसके बाद से आप आते हैं कि मुख्य रूप से जो है यह अपवाह प्रतिरूप, अपवाह के जो प्रतिरूप होते हैं वह क्या होते हैं। तो अपवाह के जो प्रतिरूप है यह कुछ वृक्षाकार होता है, वृक्ष के आकार का होता है। यह प्रतिरूप जो है वृक्ष के आकार का प्रतिरूप होता है। दूसरा इसमें होता है आर्य प्रतिरूप, तीसरा जलमा प्रतिरूप, चौथा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। इस तरह के नदियों के जो ज्ञान बनते हैं। अगला है हिमालयी अपवाह तंत्र। तो हिमालयी अपवाह तंत्र का मतलब होता है जो हिमालय से जल का अपवाह होता है, जिन जिन क्षेत्रों में, उसको हिमालयी अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से तीन अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्रों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंध नदी तंत्र है, सिंध से जो है मिले हुए जो रावी, चिल्मा, ब्यास, झेलम, ये सब नदियां हैं, यह मिलकर के एक सिंध नदी तंत्र बनाती है। तो वही जो है दूसरी ओर जो है गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र में आप देख रहे हैं कि महानदी, कावेरी, गोदावरी, यह सब जो है गंगा नदी जो है मतलब इसमें जमुना, सरस्वती, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सब आकर के इसमें जो है गंगा मिल जाती है और यह गंगा नदी एक तंत्र हो जाता है। अगला है यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र के रास्ते से होकर के उधर से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह तीसरा प्रमुख नदी तंत्र है। तो इसके संबंध में और आपको विस्तृत रूप से भी आगे मैं बताऊंगा। भारतीय अपवाह तंत्र का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों आप देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न तरह के आधारों पर वर्गीकृत किया गया। इसमें सबसे पहले समुद्र में जल जो नदियों का विसर्जित होता है, उसके आधार पर इसे दो समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह याद्री द्वारा जो है विलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्रों का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां सम्मिलित की गई हैं। बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं।
ये 77% भाग जो है जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदियां सम्मिलित है और बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित करती है, जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, वह पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती है, यानी ये जो नदियां हैं 23%, इसमें सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, वह पेरियार नदियां अपना जल जो होती है वह अरब सागर में ले आकर के विसर्जित करती है, छोड़ती है, गिराती है। जल सांभर क्षेत्र की आकृति के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र यानी द्रोणियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, आप समझने की कोशिश करें। पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, यानी पहला क्या है, प्रमुख नदी द्रोणी है जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, यानी 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसको नदी द्रोणी कहा जाता है। इसमें 14 नदी द्रोणियां सम्मिलित हैं, यानी 14 जो है प्रमुख रूप से नदी द्रोणियां सम्मिलित की गई है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, बराक आदि। सेकंड है यानी मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना, यह प्रमुख नदी है, इसमें जो है प्रमुख नदियों का नाम है। तो यह 44 नदी द्रोणियां इसमें है। तीसरा है लघु नदी द्रोणियां द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से वर्ग किलोमीटर से कम है, इनमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां सम्मिलित की गई है, यानी बहुत सी नदियां इसमें सम्मिलित हैं। अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत हैं, यानी इसमें से जो बहती हैं वो अधिक जो अधिकतम नदियां हैं वह हिमालय निकलने का जो स्रोत है, उद्गम केंद्र है, वह हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से निकलती तथा वे अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित कर देती है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार में कुछ बड़ी नदियां हैं उसका जो उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट है, यानी पश्चिम की तरह जो भारत का भाग है वह पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल जो है विसर्जित करती है। इसमें नर्मदा तथा ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं, इसका अपवाद हैं ये और अनेक छोटी नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को में विभाजित किया गया है, यानी हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दो भागों में विभाजित किया गया है। यद्यपि इस विभाजन योजना में चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों के वर्गीकरण में समस्या पैदा होती है,
क्योंकि उत्पत्ति व आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है। यानी उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय के नदियों में निकलने से वर्गीकरण में समस्या पैदा होती है, क्योंकि यह उत्पत्ति और आयु में यह हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी नदियां हैं। फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। तो ध्यानतम्य भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां सम्मिलित हैं। ये नदियां भू आकृति इकाइयों, उद्विकास प्रक्रिया और वर्षा की प्रकृति तथा लक्षणों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मुख्य अपवाह प्रतिरूप जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से मुख्य अपवाह प्रतिरूप निम्नलिखित हैं: वृक्षाकार प्रतिरूप, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हैं, हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जा सकता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आर्य प्रतिरूप, जब नदियां किसी पर्वत से निकल करके सभी दिशाओं में बहती है तो इसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां अपवाह प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। अगला है जालीनुमा प्रतिरूप, जब मुख्य नदियां ये एक दूसरे के समानांतर बहती हुई तथा सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा यानी अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, जब सभी दिशाओं से नदियां बह करके किसी झील यानी बच्चों किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती है होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। धन्यवाद। हिमालयी अपवाह तंत्र, तो प्यारे बच्चों इसमें हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूं, इसको आपको थोड़ा सा समझाया भी था। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे समय में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां सम्मिलित हैं। यहाँ की नदियां बारह मासी हैं यानी बारहों महीना बहती है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर आश्रित हैं। इसे साल भर इसमें जल प्रवाह होता रहता है। ये नदियां गहरे महाखंडों से गुजरती हैं, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा बनी हैं। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां बनाती हैं। नहीं, जो भी आकार की आकृति होती है, घाटी होती है या छिपरी कायें जो होती है, जलप्रपात भी बनाती हैं, जिसका निर्माण धीरे धीरे होता है। यानी एक बाइक नहीं होता है, धीरे धीरे यह आसलाकृतियां बनती है, जैसे भी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, जलप्रपात, जिनका निर्माण बहुत धीरे धीरे होता रहता है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है के द्वारा होता है। छिप्रिकाएं ये नदी मार्ग का वह भाग है जहाँ पे किसी अवरोध के कारण ढाल सामान्य की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। ऐसे दशा में जल प्रवाह बहुत ही तेज होता है तो उसके छिपकराएं कहा जाता है। जलप्रपात पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यानी पहाड़ों के ऊपर चट्टानों से गिरने वाली जो नदी नाले होते हैं वह जलप्रपात कहलाते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जैसे खंडक सोपानी, महाजल
प्रपात, ढालू, पंखा, हिमाद्री, खुरदुम, गोता, खरल, विभक, पांतिक, बहुचरणीय एवं कैडा, डूपा आदि, यह विभिन्न प्रकार के जो है जलप्रपात होते हैं। तो इसी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब उपयुक्त नदियां मैदान में प्रवेश करती है तो समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुफित वाहिकाएं तथा नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती है। हिमालय क्षेत्र में ये इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, किंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपना रास्ता भी बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर के मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है, यानी बदल लेती है। हिमालयी अपवाह तंत्र के विकास की प्रक्रिया में भूवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मायोसीन कल्प लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व में शिवालिक या इंडो ब्राह नामक विशाल नदी हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ ही असम से पंजाब तक प्रवाहित होती थी और पंजाब के सन्निकट सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। प्राचीन प्लाइस्टोसीन काल के संपन्न हुई और कुछ जो है भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप इंडो ब्राह नदी निम्नलिखित तीन प्रमुख अपवाह तंत्रों में विभक्त हो गई। पहला है पश्चिम में सिंधु तथा इसकी पांच सहायक नदियां, मध्य में हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा उसकी सहायक नदियां, तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। विशाल नदी का इस प्रकार विभाजन संभवतया प्लाइस्टोसीन में प्लाइस्टोसीन काल में हिमालय की पश्चिमी भाग में पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ और यह क्षेत्र सिंधु और गंगा अपवाह तंत्रों के मध्य का विभाजन बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लाइस्टोसीन काल में राज महल पहाड़ियों में से मेघालय पठार में मध्य मादला गैप का अधोक्षेपण हुआ और जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का विकास हुआ तथा वे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित हुई। अगला है हिमालयी अपवाह तंत्र से संबद्ध नदियां। यद्यपि हिमालयी अपवाह तंत्र में बहुत सी नदी तंत्र हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नदी तंत्र निम्नलिखित हैं।